बोलिए सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, ललिता माता की जय, हर हर महादेव। साधना जगत बड़ा विचित्र और रहस्यमय जगत होता है। आप लोगों का ध्यान स्थिर हो, कुछ बातें आपके दिमाग में प्रवेश करें, आप उनको समझ पाएं, बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना समझे कुछ भी होने वाला नहीं। आप लोग पुराण पढ़ते हैं, टीवी में सीरियल देखते हैं, बहुत से करेक्टर्स हैं, अनेक शक्तियों से युक्त सामर्थ्यवान। हनुमान जी का उदाहरण है, मच्छर बन जाते थे, महान विशाल से विशाल बन जाते थे, समुद्र लांघ जाते थे, मतलब ऐसा कुछ भी काम नहीं था जो हनुमान जी न कर दी। तो रावण था, इतनी शक्तियाँ थी कि राम भी नहीं मार पा रहे हैं उसको, तो उतनी शक्तियाँ कृष्ण थे, गए दुर्योधन के पास शांति दूत बन के। तो दुर्योधन ने कहा कि इसको बंदी बना लो, झंझट खत्म करो, ये बड़ा खुरापाती है, न रहेगा बांस तो मारेगी। पितामह ने और द्रोणाचार्य ने मना किया कि मूर्खता मत कर, लेकिन मूर्ख आदमी किसी समझाने थोड़ी मानता है। मूर्ख आदमी की पहचान क्या है? मूर्ख आदमी हमेशा अपनी बात पर अड़ा रहेगा, ये नहीं पता है कि ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो पहले विचार विमर्श करना चाहिए ना कि भाई अच्छा हो सकता है तो क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है तो क्या हो सकता है, उसके बाद फिर जो करना करो। एकदम ठाने रहो कि नहीं हम ही से हमारा ही हम चले। और जो एकदम हठी हो जाता है ना, तो शनि देव बड़े जल्दी उस पर कृपा कर देते हैं, क्योंकि शनि की पत्नी का नाम है कलही कंटकी। झगड़ा ही करो, झगड़ा ही कराओ और अड़े रहो, ध्वजिनी अपना ही ध्वज ऊपर रहे। तो दुर्योधन अब जो भी रहा हो, मैं तो ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आदमी एकदम अड़ जाता है और किसी बात को नहीं माने, अपने से बड़ों की भी बात को नहीं माने, माता की नहीं माने, पिता की नहीं माने, गुरुओं की नहीं माने, आचार्य की नहीं माने, जो भी परिवार में दादा परदादा उनकी भी नहीं माने, तो ऐसे व्यक्ति का 100% विनाश होना निश्चित है। कोई भी पात्र करेक्टर किसी भी पुराण में उपनिषद में कहीं भी पढ़ो, तो उसमें उन गुणों को ढूंढो कि प्रहलाद में क्या गुण है, ध्रुव में क्या गुण है, राम में क्या गुण है, भरत में क्या गुण है, हनुमान में क्या गुण है। और फिर वहीं उनके अपोजिट वाले का भी देखो कि कुंभकर्ण में क्या है, विभीषण में क्या, उसमें क्या, उसमें क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या है, समझा कि नहीं। आपको समझना क्या है कि आपके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है। आप एकदम दुर्योधन स्टाइल में चल रहे हो कि युधिष्ठिर स्टाइल में चल रहे हो, तकलीफ तो दोनों को है। दुर्योधन छल करके, प्रपंच करके, कुछ भी करके राज्य तो पाया और राज पर बैठा हुआ तो है, लेकिन उसको बराबर ही फिक्र है कि एक दिन ये ले लेंगे हमसे, ये छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सोचा है कि इनको जला के मार दो, ख़त्म करो, बहुत प्रयास किया कि इनको हम ख़त्म ही करें, लेकिन ऊपर वाला तो सत्य को तो नहीं हारने देगा। अगर कभी सत्य या धर्म पराजित हो जाए तो वो ईश्वर की पराजय है, और ईश्वर कभी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान का नाम ही सत्यनारायण है। और ये तो धर्मस्ततो जय, यहाँ धर्म है वहीं विजय है। विजय शॉर्टकट नहीं होती है, ये लॉन्गकट होती है। एक बार विजय प्राप्त हुई तो फिर उची जाती नहीं कई जन्मों तक। ये छोटा मोटा विजय किए, जीत लिए, एक इलेक्शन जीत लिए, दो इलेक्शन जीत लिए, तो कभी बाहर भी जाओगे कोई, ये वो विजय नहीं जो श्री के साथ चलती है। आखिर ऐसा क्या है भगवद गीता के पूरे ज्ञान में कि लास्ट के आखिरी श्लोक में संजय कह रहा है कि जहाँ श्री कृष्ण और धनुर्धर पार्थ है वहीं श्री है, श्री शब्द वहाँ आ गया, समझे कि नहीं। तो श्री की क्या विशेषता है, वो क्या है श्री विद्या,
और आप लोगों में से एक भी व्यक्ति इसके लायक नहीं दिखता कि उसे विद्या समझे, क्योंकि न तो बैकग्राउंड है, न मन में भाव है, न विचार है, न कामना है, न लक्ष्य है, न उद्देश्य है, और न वो क्षमता ही है कि हम ऐसा कुछ प्राप्त कर ले बन जाए। अब जिसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, वो क्या पाएगा? वो खाली बैठेगा दो दिन ढीला ढीला, फिर तीसरे दिन भाग जाएगा और वो आलोचना जरूर करेगा और आलोचना करके अपने दुर्भाग्य को बढ़ा लेगा। बोले बगला माई की। तो श्री तक जाने के लिए ये जो कुछ हमने उदाहरण गिनाए कि इनके अंदर शक्तियाँ कैसे थी, कैसे प्रमाण दे देते थे, ये हनुमान ने प्रमाण दिया, अर्जुन ने प्रमाण दिया, सबने प्रमाण दिया, गुरु भी प्रमाण दे देता है। क्यों प्रमाण नहीं दिया तो उसको मानेगा नहीं कोई। इसलिए काशी में जब शिव भगवान कोटियाचार्य ने किया था तो भगवान से एक ही बात बोली कि देखो ये काशी है, प्रमाण लेती है, प्रमाण देती है। तो गुरु को प्रमाण लेना भी पड़ता है शिष्य से और प्रमाण देना भी पड़ता है, बातों से नहीं होता। तो जो मुख्य बात समझानी है वो ये है कि अगर उन देवताओं में इतनी शक्ति अर्जित हुई तो हनुमान जी ने इतनी सिद्धियाँ कहाँ से अर्जित की? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि बचपन में चले गए वो एकदम बाल्य अवस्था में सूर्य भगवान के पास, सूर्य भगवान उनके गुरु हैं, सारी सिद्धियाँ उन्होंने वहाँ प्राप्त की। अब कुछ बची खुची रह गए, सीता माई ने वरदान दे दिया, सिद्धियाँ तो उनको पहले ही थी पर माई ने वरदान क्या दे दिया, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अश्वर दीन जानकी, तुम जिसको चाहे उसको ये वरदान दे सकते हो, आठों सिद्धि और नवनिधि। तो उतना हनुमान ने किया। और आप लोग, हनुमान ने कभी भी अपने काम को अपना काम नहीं देखा, केवल राम के काम को देखा, अपने इष्ट के काम को देखा, जिसके प्रति वो लगे उसके काम को देखा। और आप लोग क्या देखते हो, ईमानदारी से बोलो, अपने काम। और जब तुम अपने काम को देखते हो तो तुम्हारा इष्ट तुम्हारे साथ जुड़ता नहीं है। ये आपका वीक पॉइंट बता रहा हूँ। जिंदगी बीत जाएगी, कई जन्म बीत जाएंगे, युगो बीत जाएंगे, पर श्री विद्या काम आएगी कि नहीं आएगी? रामधन, जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी, वो करेक्टर, वो प्रॉपर्टीज नहीं डेवलप होंगी, अगर नहीं है उसको कहीं बाहर से ला के अपने अंदर ट्रांसप्लांट करो, ट्रांसप्लांट करो, ग्रो करो, प्रोटेक्ट करो, लेट इट एक्सपेंड, तब जाके कुछ होने वाला है। ऐसा तो ये खाली ताली पीटो कथा सुनो से तो श्री तो नहीं आएगी, और अगर कथा सुन सुन के श्री आती तो सब कथा सुनने वाले तो श्रीमान हो जाते। तो श्री बड़ी विचित्र चीज़ है और धुमावती भी बड़ी विचित्र चीज़ है, और दोनों ही एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के विरोधी भी हैं। अब वो आपस में क्या करते हैं वो तो साधारण व्यक्ति समझ में तो नहीं आए। तो दोपहर को जो मंत्र बार बार अटक रहा था, उसका कारण था कि सामने बैठा हुआ एक भी व्यक्ति साधक श्री विद्या के लायक नहीं है। लेकिन विडम्बना ही, हमारे गुरु जी बोलते कि भाई अब जो भी है, ज्ञान देने का धर्म गुरुओं का है, ज्ञान देने आए हैं, हमारे गुरु भी आए, पहले भी लोग आए, तो सामने जो बैठा उसी को दे दो, संभलेगा संभलेगा, नहीं संभलेगा नहीं समझेगा। हमने अपना धर्म तो निर्वाह कर दिया ना, फिर शरीर छूट जाएगा, फिर लोग कुछ दिन बाद प्रवचन सुनेंगे, बोलेंगे अरे वहाँ क्या गुरु जी थे यार। तो प्रमाण तो लेना देना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम श्री विद्या तक जाना चाहते हैं तो हमको गुरु को समझना चाहिए। उस गुरु शब्द में ऐसी क्या विशेषता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद गुरु पद माना जाता है? न राजा न महाराजा सब गुरु के सामने झुकता है। अब क्यों भगवान शिव स्वयं अपने वाणी से ये कहते हैं कि हे पार्वती, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर, ऐसा भगवान शिव क्यों कह रहे हैं? मान लो शिव जी गुरु हैं तो बोलते थे मेरे को अपना ही नाम ले लेते, ब्रह्मा विष्णु को घुसेड़ने की क्या जरूरत थी, वैसे भी वो बड़े भारी हैं, सब हेड तो वही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को डाला। उन तीनों में सबसे कमज़ोर कौन लगता है, दिखता है? ब्रह्मा जी।
ये लगता है ना कि कमज़ोर तो अब कोई नहीं है, वो तो सृष्टि के खेल में तीनों अलग अलग रोल निभा रहे हैं। तो सृजन का ओरिजिनल मालिक तो आप पैदा होंगे ब्रह्मा से ही ना, कहीं माए बाप से तो पैदा होंगे, इसे उनको पितामह कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा, हे पार्थी, जो कुछ ब्रह्मा है, ब्रह्म शब्द की शक्ति को प्रकट करने वाला, प्रत्यक्ष करने वाला, सबके जीव में डालने वाला, वो तो ब्रह्मा है। विष्णु, विष्णु के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पालन करता तो विष्णु माने जाते हैं, मोक्षदाता भी विष्णु ही माने जाते हैं, मोक्ष का डिपार्टमेंट विष्णु को दे दिया गया है। मैं भी बगला माई से कल पूछ रहा था कि माता ये सारा पितर मुक्ति का डिपार्टमेंट विष्णु को ही क्यों दे दिया, आप नहीं मुक्त करती हैं क्या, कि शिव नहीं मुक्त करते हैं? माँ बोलती शिव को मुक्त करने क्या जरूरत, अरे काशी में जो शरीर छोड़े तो स्वतः मुक्त हो जाता है, तो उसको तो भागवत सुना नहीं सुना को लेने देने नहीं है। और बोला अगर बगला कहे तो बगला क्या मुक्ति नहीं दे देगी? स्वामी राम के परमहंस के पास बहुत से भक्त लोग आते रहते थे, महात्मा भजन वाले। तो एक बार एक टीम आई, वो टीम यही टेप बजाती है कि भाई मोक्ष केवल विष्णु देंगे, मोक्ष केवल विष्णु देंगे। अब प्रायः एक भ्रम है कि मोक्ष के दाता केवल विष्णु है, साउथ इंडिया में कहीं जो बोले मोक्ष ये तो विष्णु, मोक्ष ये तो विष्णु। तो रामकेश से लोगों ने कहा कि आप काली काली करता आपको मोक्ष तो मिलेगा नहीं, मोक्ष चाहिए तो विष्णु को पकड़ो। रामकृष्ण ने कहा भाई आपके विष्णु को नमस्कार है, आपको भी तो पहले ही नमस्कार है, जो भाई ठीक है, मोक्ष मिले ना मिले मुझे उसकी कोई चिंता भी नहीं है, लेकिन अगर मेरी माँ काली विष्णु को बोलेगी कि इसको मोक्ष दे दो, तब विष्णु क्या करेंगे, देंगे कि नहीं देंगे? मान लो उन्हीं की डिपार्टमेंट है, अब सारा कैश या जो भी पैसा है आप अपनी पत्नी को दे के रखते हो, बराबर है, तो उसी कस्टडी में जिम्मेदार वही है उसकी। अब आपका कोई मित्र आया बोले भाई कुछ हमको हेल्प कर दो, तो आप पत्नी को बोलोगे तो दे देगी कि नहीं दे देगी, बोलिए, दे देगी। तो रामकृष्ण ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, भाई जब काली बोली देगी तो कैसे नहीं देंगे, क्योंकि माँ तो खुद ही बोलती नहीं कि यम कामय तम उग्रम तम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्रम करोमी, मैं जिसको चाहती हूँ उसको ब्रह्मा बनाती हूँ, उसको विष्णु बनाती हूँ, उसको रुद्र बनाती हूँ, मतलब वो डिपार्टमेंट उसको मैं अलॉट करती हूँ। अब समझ गया कि नहीं, तो ये सब डिपार्टमेंट अलर्ट कर दिया, किसने अलर्ट कर दिया, शक्ति ने, माँ ने, डिवाइन मदर, बगला मुखी, जो भी कहो, काली दुर्गा, ये सब शक्तियाँ हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन मत पड़ना कि हम तो यार राजा राजा नहीं बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, या हम तो ऐसा कुछ किए नहीं, गया में गए नहीं, डुबके मारे नहीं। और भगवान शिव कहते हैं कि मोक्ष वगैरह है क्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सिंपल लाइन, गुरु की कृपा हो गई मोक्ष 100% गारंटी। ये वचन किसका है, शिव का है, लेकिन आपको तो शिव के वचन पर भरोसा है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि आपको किसी भी शास्त्र की किसी लाइन पर भरोसा ही नहीं है, गड़बड़ यहाँ से कि आपको भरोसा किसी पर है नहीं, और इसलिए नहीं कि आप खुद भी भरोसेमंद नहीं है, आपने जिंदगी में ऐसे काम किए नहीं कोई आप पर भरोसा करे, तो आपका करेक्टर ही गैर भरोसेमंद वाला है, इसलिए आपको दूसरे पर भरोसा नहीं होता। चोर को सारे चोर नजर आते हैं, कहावत है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और सीधा साधा आदमी जाता है कहीं हर जगह ठगा जाता है, फिर भी बोलता है यार ये मुझे थोड़ी ठगेगा, और एकदम बुद्धू आदमी बोलता है अरे यार भगवान के नाम पर तो मुझे ठगना मत, सामने वाला समझ जाता है असली तो ठगने लायक मिला ही तू ही, क्योंकि तो भगवान के नाम बना हुआ बेवकूफ है, तो तुझे नहीं ठगू ठगूंगे इसको, तो ठगे भी जाते हैं, मुस्कराते रहिए। उस गुरु में ऐसा क्या है कि जिसके पीछे सब पड़े हुए हैं, देवता ऋषि मुनि सब, और भगवान शिव करें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो, आगे कह रहे गुरु साक्षात परब्रह्म है, कि गुरु साक्षात परब्रह्म है,
पहले एक एक शब्द बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, अब क्या बोले परब्रह्म, उसमें सब आ जाता है, परमाम शिव सा विद्या परमाम, वो जो परम विद्या परम शक्ति सब कुछ है वो देवी है अद्या। अब चाहे ललिता कहो चाहे धुमावती कहो चाहे दुर्गा कहो चाहे लक्ष्मी काली कमला, अब ये बात अलग है कि शक्ति एक ही डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, यह समझ लेना, डिपार्टमेंट बटे हुए। तो जो वैभव डिपार्टमेंट किसके हिस्से में दे दिया गया, ललिता कमला मातंगी पद्मावती कमख्या एक्सेट्रा, इन लोगों ने वैभव डिपार्टमेंट ले लिया। अब अगर वो वैभव डिपार्टमेंट लेके बैठी हैं, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई, संकट आ गया, युद्ध करना हुआ, तब क्या करोगे, तब तुमको दूसरे डिपार्टमेंट जरूरत पड़ेगी। तो उसमें जो है वो कौन सी हैं, काली है, तारा है, धुमावती है, बगला है, त्रिभुभैरवी है, छिन्नमस्ता, ये सब। तो बिना एक दूसरे सपोर्ट के नहीं गाड़ी चलेगी, समझे कि नहीं। ये अलग बात है कि अगर ललिता भी चाहेगी कि भाई ये हमारा भक्त है, इसको बेचारे को कुछ पता नहीं कि काली भी कोई है सहायता करने के बुलावे, नो आइडिया, एकदम इग्नोरेंट है, हमारे अलावा कुछ जानता ही नहीं है, तो वही काली बन के तुम्हारा काम कर देगी। कोई भी शक्ति किसी भी शक्ति के स्वरूप को धारण कर सकती है समय पड़ने पर, और एक ही शक्ति सब स्वरूप धारण कर सकती है, जैसा दुर्गा सप्तशती में एक में सब निकल जाती हैं और सब एक ही में जाके समाहित हो जाती है। अब ये सारे सारी शक्तियों का समझना, आदान प्रदान करना, ये सारी क्रियाओं का ज्ञान केवल और केवल सद्गुरुओं को ही होता है, और जो सद्गुरु की शरण में गया, जिसने गुरु को समझना शुरू किया, निस्वार्थ भाव से बिना छल प्रपंच के एकदम निर्मल पावन पवित्र मन तन धन सोच विचार सब कुछ पवित्रम पवित्रम पवित्रम, कुलम पवित्रम धनम पवित्रम तनम मनम सब कुछ पवित्र हो, एकदम पावन, कोई किसी प्रकार का मैल नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जब बन जाता है धीरे 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 लंबी तपस्या के बाद, तब वो व्यक्ति स्फटिक शिला के भांत चमकने लगता है उसका मन, जैसे स्फटिक माला चमकती है ना ऐसा, तो उसके स्फटिक वाले मन के अंदर सारे देवता गुरु चमकने लगते हैं, इसलिए स्तुति आती है स्फटिक समाभासम स्फटिक समान। इसलिए ललिता साधना में हमेशा स्फटिक की माला पहनने का विधान रखा गया है। आप मुझे देखते हो कि मैं दो माला हमेशा रहती है, मूंगे की और ये रुद्राक्ष वाली, पर बाकी ये कभी कभी अलग अलग कलर की आती है। अब ज़्यादा वेट ना हो इसलिए इतना नहीं पहनता हूँ, लेकिन साधना के समय तो पहन के बैठता हूँ अकेले बंद कमरे में, पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, साधना एरिया की बात अलग है। तो आप इन सभी चीज़ों को ज़रा गौर से समझें कि भगवान शिव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु भी ना, इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र के लिए क्या करें, अब मोक्ष सीधा सीधा नहीं हो सकता, आप सीधा मोक्ष चाहते हो तो असंभव है। भगवान शिव का गुरु गीता का जो स्तोत्र है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, पहले क्या कहा, ध्यान, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब चाहे गुरु की मूर्ति हो, चाहे आपके इष्ट की मूर्ति हो, चाहे आपके प्रेमी प्रेमिका जिसकी भी मूर्ति हो, पहले ध्यान में मूर्ति आनी चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति शब्द डाला, गुरु अलग है, गुरु तत्व अलग है, लेकिन गुरु का जो फिजिकल बॉडी कैसे उसको मूर्ति बोलेंगे। जैसे वो मूर्ति है उसके अंदर बगला मुखी नहीं दिख रही आपको, मूर्ति दिख रही है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा हम कर रहे हैं तो गुरु के चरणों की पूजा कर रहे हैं। इसके तुलसीदास कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वो समझ रहे हैं उस एलिमेंट को समझ रहे हैं कि गुरु तत्व क्या है।
और आगे भगवान शिव कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु प्रथम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। नंबर तीन पर मंत्र शब्द ला रहे हैं। अगर यहीं तक गाड़ी चल जाती है तो मंत्र लाते नहीं हो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अब गुरु का वाक्य कौन सा मंत्र है? गुरु जो कह दे वही मंत्र है। वाल्मीकि को जब बोला गया कि भाई राम राम करो, नारद जी ने कहा तो बोले हमसे राम निकलता ही नहीं है, अरे मरा मरा। तो जब लोगों को मार देता था तो देखता था मर गया कि नहीं मर गया, जब हिला ले हाँ मर गया मरा मरा, तब वो खुशी होती थी कि मर गया अभी। तो वो मंत्र में उसकी आसक्ति थी मरा शब्द में। तो नारद जी ने कहा ठीक है मरा मरा कर। अब नारद ने कहा मरा मरा कर, अब आप में से कोई बड़ा चलाक कल को डुप्लीकेट गुरु बन जाए, गुरु भी तो हजारों प्रकार के होते हैं ना, और बोले देखो मैं तुमको एक महामंत्र सिखाता हूँ जिसका कोई प्रचलन नहीं है, उस मंत्र को जबकि वाल्मीकि वाल्मीकि बन गए, कितने महान बन गए, वो मंत्र है मरा, तुम यही जप ठीक। तो तुमने राम को भी हिला दिया। अब ये बात अलग है कि मंत्र अनुलोम विलोम दोनों जपे जाते हैं, समझे कि नहीं? अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। तो राम का एक है विलोम, इसका मरा होएगा। जब अक्षरों को हम सीधा रख कर लिखते हैं उसी चीज़ को इधर से पढ़ते हैं ना, हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट, और उसको जब राइट टू लेफ्ट पढ़ें तो जो बनेगा उसको कहते हैं विलोम। जैसे ल ली ता, तो ता से उल्टा हो ता ली ल, ये विलोम हो गया। अब पहले ललिता बोला तो ये अनुलोम हो गया। तो नारद हैं गुरु हैं, अब गुरु की शक्ति पूरी की पूरी मंत्र के अक्षरों में जाके बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है? क्योंकि जनक, जनक मतलब जन्म देने वाला, तो मंत्र की शक्ति को भी जन्म देने वाला जो होता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। जन्म तो ब्रह्मा ही देगा ना। अब वो चाहे मरा बोले चाहे मर गया बोले, जो अगर वो बोले कि मर गया मंत्र है तो मर गया मर गया मर गया जपो, उसमें शक्ति आ जाएगी। शक्ति तो उन्हें अक्षरों की आएगी ना, लेकिन उनकी भी शक्ति नहीं है। शक्ति इस बात की है कि आपने मंत्र प्रदाता गुरु पर कितना विश्वास किया। अब लोग आते हैं गुरुजी कोई अच्छा वाला मंत्र दे दो गुरुजी, एकदम बड़ा वाला अच्छा वाला पावरफुल वाला। मैं बोलता हूँ कमाल है, हनुमान जी तो बहुत छोटा सा मंत्र पकड़े राम 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 और सबसे बड़े पावरफुल बन गए, तो तुम बड़का वाला मंत्र लेके क्या करोगे? नहीं वो खटमाला बड़ा वाला रहेगा ना तो हमारी जल्दी बाधा कटेगी। तुमको एक शत्रु मारना है ना, चाकू भी ठीक है, सुई भी ठीक है, तलवार सब कुछ ठीक है, और बंदूक का गोला भी ठीक है, तो बंदूक के तोप के चक्कर में क्यों पड़े हो? और वो सबसे बड़ा मंत्र की शक्ति का मानसिक प्रहार है। मन के अंदर जब सारी मन शक्ति जग जाती है धीरे 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 धीरे, और वो मन आपका आज्ञा चक्र पे जाके बैठ जाता है, पूरा मंत्र सजीव हो जाता है। जब उस मानसिक शक्ति का प्रयोग आप किसी लक्ष्य पर करते हो, वह लक्ष्य निश्चित रूप से आपके जीवन में प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आगे कह रहे हैं कि आगे क्या कहते हैं, मोक्ष मूलम। अगर ये समझ में आ गया कि मंत्र से सब है, मंत्र को पकड़, और अगर पकड़ लिया तो मोक्ष तो 100% होना ही है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मर के स्वर्ग जा रहे हैं। मैं बार बार समझाता हूँ, जिन जिन समस्याओं से जूझ रहे हो इन समस्याओं का समाधान का मार्ग निकल जाए, बाधाएं आती रहेंगी, आपको देख के बाधाएं जाती रहेंगी। यही जीवन है, यही ज्ञान है। गणेश जी कहते हैं बाधाओं का आना बड़ा अच्छा है, आने दो, चैलेंज है। अरे तुमको कुछ साबित करने को मिलता है कि देखो ये आया हमने ये साबित किया हमने कुछ किया, तो तुम्हारा मनोबल पौरुष बल कुछ अपनी तारीफ करने कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? बस है देखो मुझे देखो आप, अभी बात अलग, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। फिर भी तो बाधाओं का आना ठीक है कि नहीं ठीक है? तो इस विद्या तक जाने के लिए सर्वप्रथम जो ओरिजिनल आधार है, सीढ़ी है, या केजी क्लास का जो एडमिशन है उसको कहते हैं गुरु, समझे कि नहीं? बिना गुरु से
कोई विद्या तक आप नहीं जा पाएंगे। और जो आपकी सोच है परंपरागत कि जा रहे मनोकामना के लिए, तो आप गुरु के लिए गए ही नहीं, आप गए अपने स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति जो काम करेगा उसको वो श्री विद्या तो नहीं प्राप्त होगी। मंत्र तो वही रहता है, दे दिया जाए, और गुरु सामूहिक मंत्र ही देता है। मुझे मेरे गुरुजी ने अलग अलग कोने में बुला के नहीं, मंत्र कुछ चोरी से नहीं दिए कि ले तुझे इधर आ, तुझे फूंक देता हूँ कान में। और एक जो कान फूंकू होते हैं ना, दूसरा ना सुने, बड़े डेंजरस होते हैं। जितने लोग कान में खुसुर फुसुर करते हैं ना, सब बड़ी गड़बड़ चीज है। हे कोई सुन न ले, देख न ले। अरे ऐसा कौन सा कर्म है कोई सुने नहीं देखे नहीं? दीक्षा देने का तात्पर्य कि मैं हूँ एक प्रभावशाली व्यक्ति, तो मेरे अंदर शक्तियाँ सामर्थ्य मैं प्रदान कर रहा हूँ, तो उसमें क्या तो चोरी करना, ये करना, वो करना। अगर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी व्याकरण ही नहीं सही, जबान ही नहीं सही, मैं डरूंगा, अरे मेरा मन तो कोई सुनेगा, गलती होगा, सोचेगा तो मूर्ख है, थोड़ी होता है। चोरी वाला धंधा काय को भाई? तो चलो सर्वप्रथम हमें गुरु तक जाना चाहिए और गुरु को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप लोग ललिता में जाने से पहले पहले कम से कम 3 माला गुरु मंत्र का अर्चन करेंगे। और मैंने सुबह कहा था कि शक्ति साधना के लिए भैरव जी बहुत आवश्यक हैं, तो एक पाठ हनुमान चालीसा करेंगे आप, और एक पाठ काल भ्रष्ट का करेंगे। उसके बाद ललिता के क्रम में आप अर्चन करने जाएंगे। अब 2 मिनट में आपको ललिता माता के बारे में समझा देता हूँ कि ललिता क्या देती है। उस शंकराचार्य को याद करो जिन्होंने याद किया तो ब्राह्मणी घर में सोना बरसा दिया, तो उनके पास वो शक्ति कहाँ से आई थी और कौन सी विद्या थी, वो क्या किया? तो कनक धारा स्तोत्र की रचना कैसे हो गई? ऐसा क्या था उस ब्राह्मणी में जिसको देखते शंकराचार्य पिघल गए और दे दिया उसको, और किसी को तो नहीं दिया? ये सब श्री विद्या के खेल हैं। तो शंकराचार्य जी श्री विद्या के दवाई, वो तो शिव के अवतार ही हैं। तो जो श्री विद्या है वो विद्या है, और शास्त्र कहता है कि यह शिव से गुरु, जो शिव वही गुरु है। गुरु तो व्यक्ति तो होता ही नहीं, उसके अंदर शिव तत्व जगता है तो गुरु होता है। और जब शिव तत्व गुरु तत्व जब कहीं बोलने लगे तो सारे काम धंधे छोड़ के एकदम चुंबक के साथ चिपक करके उस ज्ञान को, उसकी शक्ति को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुरु की आँखों से शरीर रोम रोम से शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। तो आप लोग गुरु मंत्र को थोड़ा जपेंगे, एक बैकग्राउंड अपना तैयार करेंगे। और ललिता साधना मैं फिर याद दिला रहा हूँ, सुबह मैंने कहा था यह लक्ष्मी के प्रमुख स्वरूपों में धन प्रदान करने, वैभव प्रदान करने की कुछ साधनाओं में कामाख्या, मातंगी, ललिता, महालक्ष्मी, पद्मावती, कमला, ये सब प्रमुख स्वरूप हैं जो बेतहासा धन वैभव सब देते हैं। और हर स्वरूप का एक डिफरेंस है, कौन सा क्या देगा, कौन सा क्या देगा, कौन सा क्या देगा। कोई एक साधना आपको अरबों खरबों की प्रॉपर्टी दे दी, कुछ भी दे दी, कोई चीज़ नहीं देगी आप। बड़े बड़े पैसे वाले हैं, छल प्रपंच पाखंड, वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, उन्हें उसका डर नहीं है, ऐसा भी होता है। और बहुत से ऐसे हैं जो महान से महानतम योगी, लेकिन खाने को ठिकाना नहीं, किसी भी है ही नहीं, रहने की जगह नहीं है। तो ललिता क्या देती है उस बात को समझ लो, उसके बाद मेरा प्रश्न समाप्त होगा। ललिता मैंने सुबह कहा था अखंड अटूट अजर अमर, अखंड अटूट अजर अमर वैभव प्रदान करने वाली शक्ति का नाम है ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो इससे बड़ी ब्रह्मांड कोई साधना नहीं बनी है, और उस साधना का ये योग है। तो आपको चाहिए कि उस लाभ को प्राप्त करो। बोलो बगला माई की जय। चलिए, और आज संडे का दिन है तो एक आतिथ्य दर्शन का पाठ कर लीजिए, नहीं आतिथ्य करते हैं तो कम से कम 1 माला भगवान सूर्य का मंत्र का जप कर लीजिए, और जाते टाइम सूर्य भगवान को नारियल वगैरह चढ़ा के जाइएगा। बोलो बगला माई की जय।